Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि सेल का ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग 3/6/19 सोल्ड 15 पीस माउस, यानी 15 पीस माउस टू आर्यन कंप्यूटर को सेल किया जा रहा है। देखिए सोल्ड यानी सेल किया जा रहा है 15 पीस माउस टू आर्यन कंप्यूटर एट द रेट ₹250 फ्रॉम ऑफिस गोडाउन से। यानी एक का दाम ₹250 है और इसको ऑफिस गोडाउन से सेल किया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर सेल किया जा रहा है तो एक सेल का लेजर बन जाएगा और एक आर्यन कंप्यूटर का लेजर बन जाएगा। उसके बाद स्टॉक आइटम में माउस बन जाएगा और गोडाउन हमारा ऑफिस गोडाउन बन जाएगा। तो चलिए टैली पर हम लोग चलते हैं। टैली पर आने के बाद हम लोग डायरेक्टली अब इसको बनाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सेल हो रहा है, सेल कर रहा है, तो हम लोग F8 ले लेंगे। F8 सेल वाउचर, देखिए यहाँ पर शो करने लगा सेल वाउचर, इंटर करेंगे और यहाँ पूछ रहा है पार्टी नेम। तो जैसे कि पार्टी नेम वहाँ पर आर्यन कंप्यूटर है, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है तो Alt+C कर लीजिएगा, डायरेक्ट Alt+C। और यहाँ पर आर्यन कंप्यूटर ले लेंगे, उसके बाद इंटर। और यहाँ ग्रुप पूछ रहा है तो आर्यन कंप्यूटर जैसे कि सेल कर रहा है तो हमारा सेंड्री डेटर्स हो जाएगा। अगर परचेज करेगा तो क्रेडिटर्स और सेल कर रहा है तो हमारा डेटर्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट। इसमें भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर सेल लेजर पूछ रहा है, यानी सेल लेजर डालिए, तो सेल का एक लेजर डाल लीजिएगा, Alt+C कीजिएगा यहीं से और सेल, और सेल का ग्रुप सेल अकाउंट, यानी सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट होता है, सेल अकाउंट ले लेंगे। इंटर करके यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस होना चाहिए, इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आइटम पूछ रहा है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माउस सेल किया जा रहा है तो माउस बना लेंगे हम लोग, Alt+C करते हैं यहीं से और माउस। इसका ग्रुप पूछ रहा है कि अंडर क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग कीबोर्ड मॉनिटर का पहले ही कंपोनेंट डाले हैं तो इसका भी हम लोग कंपोनेंट ही ले लेंगे। और यूनिट हमारा PCS है उसमें भी, तो इसमें भी हम लोग PCS पहले से बना हुआ है तो एक्सेप्ट कर लेंगे इसी चीज़ को। उसके बाद इंटर एक्सेप्ट। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में हमारा हो जाएगा ये आपका, देख लेते हैं, जैसे कि 15 पीस है और रेट ₹250 है। उसके बाद यहाँ गोडाउन भी है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि गोडाउन पूछा नहीं, तो गोडाउन नहीं अगर पूछा तो हम लोग F11 करके एक्टिवेट कर लेते हैं पहले F11। और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री फीचर्स ही खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस कर लेते हैं। अगर यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स ना खुले तो F2 प्रेस कीजिएगा तो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अब देखिए इंटर करते हैं, गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन जैसा कि ऑफिस है तो Alt+C करते हैं और यहाँ से ऑफिस गोडाउन ले लिए, इंटर इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद क्वांटिटी हमारा 15 पीस है और रेट हमारा ₹250 है, इंटर इंटर। यहाँ पर देखिए रेफरेंस खुल गया, तो फिर हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि जितना भी परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन होगा उसमें हम लोग न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। उसके बाद नेम पूछ रहा है तो इन्वॉइस नंबर, जैसा कि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था DK99 इन्वॉइस नंबर, तो हम लोग डाल चुके थे लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर इन्वॉइस नंबर नहीं दिया रहता है तो हम लोग पार्टी का शॉर्ट नेम डालते हैं, जैसे कि आर्यन कंप्यूटर है तो A और C डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग A और C डालते हैं। क्रेडिट डे पूछ रहा है कि यानी क्रेडिट कितने दिन के लिए है, तो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग 20 दिन दिया हुआ है क्रेडिट डे,
तो हम लोग डाले थे। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे। इंटर करके आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बनाएंगे एक सेल का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है सेल 12 नोस जियोनी F103, यानी एक मोबाइल है जियोनी F103, इसको हमको सेल करना है, जो कि रेट है इसका 10,500 रुपये और टू मुकेश कुमार को सेल कर रहे हैं विद द इन्वॉइस नंबर MK02, यानी इनको सेल करना है मुकेश कुमार को और इनका इन्वॉइस नंबर है MK02। तो चलिए हम लोग एक लेजर बना लेंगे, जैसे कि मुकेश कुमार का लेजर बना लेंगे और सेल कर रहे हैं तो एक सेल का लेजर बनाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, उसके बाद सेल कर रहे हैं तो F8 ले लेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे। और पार्टी नेम में हमारा मुकेश कुमार है, तो मुकेश कुमार यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो Alt C करके लेजर बना लीजिएगा मुकेश कुमार यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, यानी क्या ग्रुप होगा इसका। तो जैसा कि यहाँ पर ये सेल कर रहा है तो हमारा सेंडरी डेटर्स हो जाएगा, सेंडरी डेटर्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय यस रहेगा, ये इंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पर सेल लेजर पूछ रहा है तो सेल लेजर यहाँ पर बना हुआ है, ले लेंगे। अगर नहीं बना रहेगा तो Alt C कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जियोनी है, जियोनी F103, तो इसमें आपका जियोनी नहीं शो कर रहा है, तो Alt C करके डायरेक्टली यहीं से बना लेते हैं जियोनी F103, इंटर। और यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, तो जियोनी हमारा जैसे कि मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, या सेल फोन भी ले सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकते हैं, ऐसे ही ये मोबाइल के कैटेगरी में चला जाएगा, इसलिए हम लोग मोबाइल ले लिए। बना है तो ठीक है, नहीं बना रहेगा तो Alt C कर लेंगे। उसके बाद यूनिट, तो यूनिट हमारा NOS है, NOS यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट। उसके बाद गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में गोडाउन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो जब किसी क्वेश्चन में गोडाउन ना रहे तो हम लोग मेन लोकेशन डालते हैं। मेन लोकेशन ले लेंगे यहाँ से, ये ऑलरेडी गोडाउन पहले से ही डिफ़ॉल्ट बना रहता है टैली में, इसलिए इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी क्वेश्चन में अगर ना रहे तो हम लोग इसको ले लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी और रेट, तो जैसा कि क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रहा है 12 नोस और रेट 10,500 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग 12 NOS उसके बाद 10,500 रुपये ले लेंगे। देखिए टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पर 1,26,000। उसके बाद इंटर करते हैं और आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ न्यू रेफरेंस खुल गया, रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस हम लोग यहाँ पर न्यू ही लेंगे, क्योंकि जितना भी परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन होगा नया, उसमें न्यू रेफरेंस ही होता है। यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो नेम में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्वॉइस नंबर दिया हुआ है MK02, तो हम लोग MK02 ले लेंगे। क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन के लिए उधार है, तो हम लोग नहीं डालेंगे। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट। ये बन गया एक क्वेश्चन। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सोल्ड मॉनिटर 20 पीस टू दीपक इंटरप्राइजेज 5,500 रुपये फ्रॉम ऑन साइट गोडाउन, इन्वॉइस नंबर DK99 एंड क्रेडिट पीरियड 18 दिन, यानी एक सेल हो रहा है मॉनिटर 20 पीस और दीपक इंटरप्राइजेज से, तो दीपक इंटरप्राइजेज का लेजर बना लेंगे और सेल में ही ट्रांजेक्शन होगा। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद सेल यहाँ पर है, F8 प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे सेल वाउचर पहले से एक्टिवेट है। इंटर करते हैं और यहाँ पर दीपक इंटरप्राइजेज लेना है पार्टी नेम में, तो देख सके यहाँ पर दीपक इंटरप्राइजेज का लेजर नहीं है, तो Alt C करके बना लेते हैं। दीपक इंटरप्राइजेज सेल कर रहे हैं तो सेंडरी डेटर्स हो जाएगा, ग्रुप ले लेंगे यही चीज़। उसके बाद इंटर करके
एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है। उसके बाद सेल लेजर पूछ रहा है, तो सेल लेजर हम लोग यहाँ से सेल का लेजर ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि मॉनिटर है, तो देखते हैं मॉनिटर बना हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले से मॉनिटर है, यहाँ पर बना हुआ है। अगर नहीं बना रहे तो अल्ट सी करके बना सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पहले से है तो ले लेते हैं मॉनिटर। गोडाउन पूछ रहा है कि गोडाउन कहाँ पर, तो देखिए गोडाउन यहाँ पर शो कर रहा है फ्रॉम ऑन साइट गोडाउन, तो ऑन साइट गोडाउन ले लेंगे। और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर 20 पीस है और रेट 5500 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग ऑन साइट गोडाउन ले लेते हैं। उसके बाद 20 पीस है और 5500 रुपये रेट है, इंटर कर लेंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, इंटर करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद फिर से न्यू रेफरेंस खुलेगा, तो उसी तरह हम लोग सेम कंडीशन नया रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर इनवॉइस नंबर, तो देख लेते हैं इनवॉइस नंबर। देखिए यहाँ इनवॉइस नंबर DK01 दिया है और क्रेडिट डेट 18 दिन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग DK01 और क्रेडिट डेट 18 दिन के लिए उधार है, तो यहाँ पर 18 डेट डाल लेंगे और बाकी इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा सेल का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बाकी इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।